स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। सुनिए, रौनक सिंह जी कौन है? शुक्रिया। रौनक सिंह जी, जी मैंने सुना है कि आपने गुप्त भाषा और निशानों को पढ़ने में महारत हासिल की है। अब मेरे पास एक पत्थर है, मुझे उस पत्थर का रहस्य जानना है। हाँ, वो पत्थर दिखाओ। जी यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहां पर हम ये पत्थर अकेले में पढ़ सके, यहाँ सबके सामने। डरने की कोई बात नहीं, ये सब अपने ही लोग हैं। तुम वो पत्थर दिखाओ, पता तो चले कि उन दोनों पत्थरों में क्या लिखा है। तुम वो पत्थर दिखाओ, पता तो चले कि उन दोनों पत्थरों में क्या लिखा है। दोनों पत्थर? पर मैंने तो सिर्फ एक ही पत्थर की बात की थी, इसे कैसे पता कि मेरे पास दो पत्थर हैं? हरिया सिंह, पृथ्वी को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि जिस मेड़ता गांव में उसने कदम रखा है वहां की हर एक चीज नकली है। पृथ्वी आगे बढ़ेगा और रौनक सिंह के बारे में पूछे। सुनिए जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रौनक सिंह कहाँ मिलेंगे? रौनक सिंह? जी जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। जब उसे पहले आदमी से कुछ पता नहीं चलेगा, फिर वो और आगे बढ़ेगा और उसके बाद वो अपने खुशियार सिंह से पूछेगा। सुनिए, यहाँ रौनक सिंह नाम के आदमी कहाँ रहते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे? धन्यवाद। ये सब जाल बिछाने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे पृथ्वी को पकड़कर उसे पत्थर क्यों नहीं छीन लेते? लगता है तुम्हें हारने में बहुत मजा आता है। पृथ्वी हर बार हमसे जीत जाए यह जरूरी नहीं है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था हरिया भाई। हरिया भाई, हरिया भाई, पृथ्वी सराय की ओर आ रहा है। देखो, इस बार मेरी बात मान लो, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं अपने कदम पीछे हटा लूंगा, फिर तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही होगा।
और सुनिए, रौनक सिंह जी कौन है? शुक्रिया। रौनक सिंह जी, मैंने सुना है कि आपने गुप्त भाषाएं और निशानों को पढ़ने में महारत हासिल की है। अब मेरे पास एक पत्थर है, मुझे उस पत्थर का रहस्य जानना है। हाँ, वो पत्थर दिखाओ। जी, यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहां पर हम ये पत्थर अकेले में पढ़ सके? यहाँ सबके सामने? डरने की कोई बात नहीं, ये सब अपने ही लोग हैं। तुम वो पत्थर दिखाओ, पता तो चले कि उन दोनों पत्थरों में क्या लिखा है। तुम वो पत्थर दिखाओ, पता तो चले कि उन दोनों पत्थरों में क्या लिखा है। दोनों पत्थर? पर मैंने तो सिर्फ एक ही पत्थर की बात की थी, इसे कैसे पता कि मेरे पास दो पत्थर है? हरिया सिंह, मैं पहले कुछ खा लेता हूं। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं खाने के लिए कुछ मंगा लूं तो? सुनो, इधर आओ, इनके लिए कुछ खाने के लिए लेते आओ। क्या खाना पसंद करेंगे आप? कुछ भी। ठीक है, मैं यही ले आता हूं। ये हो क्या रहा है? पत्थर की बातें कम और इधर उधर की ज्यादा। अब हमें उसे पकड़कर पत्थर छीन लेना चाहिए। कुछ देर रुक जाओ। एक बार पृथ्वी वो पत्थर हरिया सिंह के हाथ में दे दे, उसके बाद हम हमला करेंगे। शुक्रिया। क्या सोच रहे? मैं सोच रहा था कि ये गांव कितना जाना पहचाना सा है। मेरा मतलब है कि यहाँ लोग कितने खुश मिजाज हैं। ऐसा लगता है कि मैं इन्हें बहुत पहले ही मिल चुका हूँ। मैं गांव को छोड़ो, तुम वो पत्थर दिखाओ। ये के जाल में पूरी तरह से फंस चुका हूं। भागने के लिए भी कोई जगह नहीं। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खाना खाने से पहले हाथ धोकर आता हूं। सुनो। जी जी। इनको हाथ धोने की जगह दिखाओ।
जी जरूर, आइए आइए। अरे इतनी देर हो गई, वो हाथ धोने गया या नहाने? वीरेंद्र सिंह, जाओ जाकर देखो कि पृथ्वी को इतनी देर क्यों लग रही। जाओ। ठीक है, मैं देखता हूं। खनक सिंह। जी भैया। अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे भाई, तुम ठीक तो हो? अरे भाई जवाब दो, तुम ठीक तो हो अंदर? अरे जवाब दो, कुछ तो गड़बड़ है। हरिया भाई, हरिया भाई, भाई हरिया भाई, वो पृथ्वी भाग गया, पकड़ से इस बेचारे को इतना मत मारो। तुम यहां भी पहुंच गए? एक खजाने की लाश ने एक कुंवर को इतना गिरा दिया, इन दरिंदों के साथ मिल गया। ए पृथ्वी, बकवास मत कर, सीधे सीधे पत्थर दो, पृथ्वी दे दो, नहीं तो रुक जाओ। देखो पृथ्वी, अगर तुम प्यार से ये दोनों पत्थर इनके हवाले कर दोगे तो ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आप पृथ्वी, तुम अकेले ही इन सब हैवानों से कैसे लड़ोगे? इन सब की आंखों में देखो क्या दिखता है। पृथ्वी, ये लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। पृथ्वी, मैं भी इन्हें रोक नहीं पाऊंगा।
नहीं दूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।